हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढोकला। वैसे तो ये गुजराती डिश है, लेकिन इसको आमतौर पर सभी लोग खाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकदम स्पॉन्जी और जूसी ढोकला कैसे बनाएं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है, ये बड़ी कटोरी है और मात्रा से आप देखें तो ये लगभग 200 ग्राम है। अब इस बेसन को हम छान लेंगे। अच्छे से छानने के बाद ये देखो इसमें गिल्टी जो होती है वो हमें निकाल देनी है। अब यहाँ पे हमने लिया है एक कटोरी पानी। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच हल्दी यानी 1/4 चम्मच। अब हम यहाँ पे डालेंगे नींबू का रस, ये भी हमने 3 से 4 चम्मच लिया है। अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। आपने जितना बेसन लिया है उतना ही आपको पानी लेना है। अब यहाँ पे इस बैटर को हम अपने बेसन में मिलाएंगे। इसको हमें धीरे धीरे ही डाल के मिलाना है, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। इसी तरह एक ही डायरेक्शन में हमको चलाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना है। अब यहाँ पर हमने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमने डाली है 1 पिंच हींग। देखिए बेटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक इधर हम कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल के स्टीम बनने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना टिन जो है उसको ग्रीस कर लेंगे। आपके पास अगर टिन नहीं है तो आप किसी भी टिफ़िन या कोई भी चौड़े मुँह का बर्तन आप उसमें जो है ग्रीस करके रख दें। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपने बैटर को देख लेते हैं। देखिए बैटर हमारा फूल चुका है पहले से। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बैटर हमारा काफ़ी फ्लफी हो गया है पहले से। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने यहाँ पे दोनों डाले हैं, तो आपको जितना बेकिंग सोडा लिया है उसका आधा बेकिंग पाउडर डालें। यहाँ पे मैं इनो नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास अगर इनो है तो आप इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बेटर को टीन में पलट देंगे और इस तरह से टैप कर देंगे ताकि इसकी एयर बबल्स निकल जाएँ। अब यहाँ पर हम स्टीम होने के लिए रख देंगे और इसको ढक देंगे। लगभग 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ढोकला हमारा पक चुका है। 20 मिनट बाद चेक करने पे हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तब तक हमने तड़के के लिए पैन चढ़ा दिया। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और उसमें हम डालेंगे राई के दाने यानी मस्टर्ड सीड। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ता। अब इसको हम चटकने देंगे। अब उसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास पानी और इसी में डालेंगे चीनी। चीनी लगभग हमने 4 चम्मच यूज की है, छोटे चम्मच है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा कम डालें। यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है लगभग 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। चीनी मेल्ट होने तक ही मैं पकाना है। इधर हमारा ढोकला ठंडा हो गया, इसे हमने डीमोल्ड कर लिया है। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं कितना स्पंजी बना है। आप इसकी जाली देख सकते हैं, देखिए कितना परफेक्ट बना है। अब इसको हम काट लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको कट लगाएं, छोटे बड़े पीस जैसे आप पसंद करें। इस तरह से हमने इसको पीसेस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम तड़का जो है ऊपर से डाल देंगे। आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, इसमें आपको तड़का ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का गुनगुना रखना है। और आपका ढोकला भी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो पाए, हल्का सा गुनगुना रहे तभी आपको यहाँ पे डालना है। जब इस तरह से आप तड़का डालेंगे तो हमारा ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी और जूसी बनेगा, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा, खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार है। जब इस तरह से आप ढोकला बनाएंगे तो आपका भी ढोकला एकदम परफेक्ट बनेगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।